श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और आधुनिक समाजवाद के युग का सबसे बड़ा चेहरा इस बार राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सम्मानित हुआ है। समाजवाद की राजनीति के पुरोधा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषित हुए मुलायम सिंह यादव का यह सम्मान उनके बेटे अखिलेश यादव ने ग्रहण किया है। बुधवार को देश के राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जो सम्मान समारोह आयोजित हुआ, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के सामने नेताजी को राष्ट्र का सम्मान दिया गया। अखिलेश यादव इस सम्मान को लेने के लिए लखनऊ से दिल्ली पहुंचे और उसके बाद राष्ट्रपति भवन। इस दौरान उनके साथ शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। नेताजी को मिला सम्मान इस वक्त समाजवाद की उस पीढ़ी का सम्मान बना जिसने मुलायम सिंह यादव का दौर देखा था। उत्तर प्रदेश की राजनीति के पुरोधा पुरुष कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में तमाम बातें कही गई। राष्ट्रपति भवन में जो समारोह आयोजित हुआ, अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचे। साथ चाचा शिवपाल भी रहे जिन्होंने इस पूरे सम्मान समारोह के दौरान नेताजी को याद किया। साल 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म सम्मान देने की घोषणा की थी। इस सम्मान की घोषणा के बाद बुधवार को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी को सम्मान सौंपा। नेताजी की ओर से उनके बेटे अखिलेश यादव ने यह सम्मान लिया, अतिथियों को धन्यवाद दिया और यह सम्मान राष्ट्र के उन समाजवादियों को समर्पित किया जिन्होंने मुलायम सिंह के साथ पूरी लड़ाई लड़ी थी। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।